बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर होस्ट अलीसा शराज एंड यू आर वाचिंग लिटरेरी बर्ड्स। सो गाइस, एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव कवर्ड ऑल फाइव पार्ट्स। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्ट सिक्स। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट पार्ट फाइव। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो यानी मैरिनर है उसके ऊपर ब्लेसिंग्स शावर की जा रही हैं बाय हिज जीसस क्राइस्ट और मैरी, और यानी जो उनके जो रिलीजियस जो फिगर हैं, जो उनके जिन्हें वो अपनी माँ कहते हैं हज़रत मरियम को, तो दिखाते हैं कि उसकी जिस तरह जब उसने स्नेक्स को एडमायर किया, जब उसने उनकी तारीफ की, उनको प्रेज़ किया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके ऊपर ब्लेसिंग जो थी वो यानी उनके आसमान से उसके ऊपर उतरी, और फिर उसकी मदद के लिए जो है थे जो फरिश्ते उतारे गए, जो कि उन जो क्रू मेम्बर्स की जो यानी जो बॉडीज़ थी, जो डेड बॉडीज़ थी, उनके अंदर वो आए और उन्होंने फिर यानी सेल किया बोट को विदाउट एनी ब्रीज और विंड। तो यानी ये सुपर नेचुरल एलिमेंट थे सारे, और फिर उसको यानी जो उसके ऊपर जो कर्स था एल्बेट्रोस की वजह से, वो जो था वो डिसॉल्व हो गया, वो ख़त्म हो गया उसके ऊपर, यानी उसका जो था यानी अबॉलिश कर दिया गया, और फिर जो था यानी उसको उसको सुकून आया, सुकून की सांस आई, और फिर उसको हमने देखा कि वो उन सारी प्रॉब्लम से और जो भी यानी परेशानियाँ थी, जो भी सरकमस्टांसेस थे, उनसे वो निकलने में आज़ाद हो गया। और हमने देखा कि यानी उसको जो एंड पे हम लोगों ने कुछ स्टैंजास में देखा कि उसको दो आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक जो होती है आवाज़ जो यानी उसको कहती है कि ये तो वही है जिसने एल्बेट्रोस को मारा था, दूसरा कहता है नहीं, उसने यानी तौबा कर ली है, द मैन हैड पेनेंस डन, यानी वो तौबा कर चुका है और अब उसके ऊपर रहम किया जा रहा है। ठीक है, यानी दो आवाज़ों पे ख़त्म हुआ था हमारा टॉपिक, और पार्ट सिक्स में हम लोग देखते हैं किसी तरह फर्स्ट वॉइस और सेकंड वॉइस जो है वो आपस में डिस्कोर्स करते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वॉइस। बट टेल मी स्पीक अगेन, दाई सॉफ्ट रिस्पॉन्स रीन्यूइंग, व्हाट मेक्स दैट शिप ड्राइव ऑन सो फास्ट, व्हाट इज़ द ओशन डूइंग। अब यानी जो फर्स्ट वॉइस है, जो थोड़ा सा यानी जो गुस्से वाला था, जो उसको कह रहा था कि इसने तो एल्बेट्रोस को मारा था, ये तो वही यानी क्रूल इंसान है, ब्रूटल इंसान है, तो अब वो कह रहा है तुम्हारी नरमी ने मुझे दोबारा से वो बात याद करवा दी है कि कौन इस शिप को दोबारा से तेज़ चला रहा है, और ये समुंदर क्या कर रहा है, यानी ये खुद ही सारी चीज़ें हुई जा रही हैं, और ये हो क्या रहा है। तो सेकंड वॉइस कहती है, स्टिल एज अ स्लेव बिफोर हिज लॉर्ड द ओशन हैथ नो ब्लास्ट हिज ग्रेट ब्राइट आई मोस्ट साइलेंटली अप टू द मून इज़ कास्ट। अब वो कह रहा है, जो सेकंड वॉइस है यानी जो रहम दिल थी, वो जिसने उसको कहा था कि जिसकी आवाज़ जो थी वो हनी ड्यू की तरह जो थी वो मीठी और सॉफ्ट थी, और जिसने कहा था कि मैरिनर ने तौबा कर लिया और अब उसका जो है उसको माफ़ कर दिया गया। ठीक है, तो वो या क्या यानी उसने कहा है ना, पहली आवाज़ ने उसको कहा है कि ये हो क्या रहा है, समुंदर क्या कर रहा है, कश्ती कैसे इसके अंदर मूव कर रही है, कौन इसको चला रहा है इतनी तेज़ी से। तो वो कहता है, सेकंड वॉइस उसे कहती है कि जो समुंदर है ना, वो अपने खुदा के आगे बिल्कुल ग़ुलाम की तरह, जैसे उसको ऑर्डर होगा वो वैसे वैसे काम करेगा। ठीक है, और आगे हिज का वर्ड उसने यूज़ किया ओशन के लिए, हिज ग्रेट ब्राइट आई मोस्ट साइलेंटली अप टू द मून इज़ कास्ट, यानी जो है समुंदर अपनी खामोशी आँखों से, ये जब यानी हम लोग कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं ना जो कि लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, जब उसे नॉन लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाती है, ये नेचुरल थिंग्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सोनिफिकेशन की गई है, और यानी वो कह रहा है कि चांद को देख रहा है और समुंदर जो है वो चांद को भी देख रहा है, और खामोशी आंखों से, बस वही उसी हुक्म के ताबे है जो उसके खुदा ने उसको किया है, यानी खुदा की तरफ से उसको हुक्म आया है समुंदर को कि वो जो है कश्ती को सेल करे और मैरिनर की मदद की जाए, क्योंकि उसने ही हैज़ रिपेंटेड। और इफ़ ही मे नो विच वॉज सॉरी इफ़ ही मे नो वच विच वे टू गो For she guides him smooth or grim. See, brother, see how graciously she looked down on him. अब यहाँ वो बात कर रहा है समुंदर के ऊपर ही, इफ़ ही मे नो विच वे टू गो, अगर समुंदर को पता होता कि कहाँ जाना है, यानी उसको वो उसी के ताबे है जो उसको कहा गया है। फॉर शी गाइड्स हिम स्मूथ और ग्रिम, यहाँ शीस बात की गई है लॉर्ड मैरी, यानी जो उनके अकॉर्डिंगली सॉरी अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन मैथोलॉजी के हिसाब से जो मैरी हैं उनको वो अपनी माँ कहते हैं,
तो वो कह रहे हैं कि यानी उसके उनके हुक्म से जो यानी जो शिप है वो मूव कर रही है, चाहे वो आसानी से मूव करे चाहे वो गुस्से से, क्योंकि पहले जो था उनका जो रब था उनसे नाराज़ था, तो ये जो थी शिप जो थी वो बिल्कुल एक जगह स्टक थी और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई। और अब जब वो यानी उनका खुदा उनसे राज़ी हो गया तो वही जो शिप है वो स्मूथली सेल कर रही है। और वो कह रहा है सी ब्रदर हाउ ग्रेशियस, यानी देखो देखो कितने रहम के साथ और कितने यानी सुकून के साथ शी लुक डाउन ऑन हिम, किस तरह वो रहम की नज़र उसके ऊपर डाले हुए हैं मैरिनर के ऊपर। अब यहाँ फिर फर्स्ट वॉइस कह रही है बट वाई ड्राइव्स ऑन दैट शिप सो फास्ट विदाउट अ वेव ऑफ विंड। अब यानी वो से फिर सवाल कर रहा है कि दूसरे वाले से कि ये शिप जो है वो इतनी तेज़ कैसे ड्राइव कर रही है विदाउट एनी वेव विदाउट एनी विंड, ना कोई हवा चल रही है ना समुंदर की कोई ऐसी लहर है जिसकी वजह से ये मूव कर रही है। फिर आगे सेकंड वॉइस कहती है द एयर इज़ कट अवे बिफोर एंड क्लोज फ्रॉम बिहाइंड, वो कह रही है कि हवा तो पहले से ही बंद थी और एंड क्लोजेज फ्रॉम बिहाइंड और पीछे, यानी हवा पहले से ही जो थी वो बंद हो चुकी थी नहीं चल रही थी। फ्लाई ब्रदर फ्लाई मोर हाई और वी शैल बी बिलेटेड फॉर स्लो एंड स्लो दैट शिप विल गो व्हेन द मैरिनर्स ट्रांस इज अबेटेड। अब वो यानी जो हैं आपस में डिस्कॉर्स कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फ्लाई ब्रदर फ्लाई यानी उड़ो उड़ो मोर हाई ज़्यादा 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 से ज़्यादा, ठीक है, और वी शैल बी बिलेटेड, और यानी नहीं तो अगर हम देर से नहीं चलें अगर हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो हमें देर हो जाएगी हम लेट हो जाएंगे। फॉर स्लो एंड स्लो दैट शिप विल गो, अब ये देखें फॉर स्लो एंड स्लो दैट शिप विल गो, एस का जो साउंड है ऊपर वाले में एफ का जो साउंड है और एच का जो साउंड है वो प्रोमिनेंट है, ठीक है, एनाफोरा सॉरी जो ऑल्ट्रेशन टेक्निक है वो यूज़ हो रही है, और यहाँ देखें एस का साउंड जो है वो हमारे जहन में पड़ रहा है, ठीक है, हमारे कानों में पड़ रहा है, ठीक है। फॉर स्लो एंड स्लो दैट शिप विल गो वन द मैरिनर्स ट्रांस अबेटेड, और वो यानी हल्की हल्की जो है वो शिप चलने लग पड़ी है क्योंकि मैरिनर के ऊपर जो स्पेल था जो उसके ऊपर जादू टूना किया हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। आई वॉक एंड वी वर सेलिंग ऑन एज इन अ जेंटल वेदर, इट वॉज नाइट काम नाइट द मून वॉज हाई द डेड मैन स्टूड टुगेदर। अब वो यानी जो मैरिनर है वो कह रहा है कि मैं जब उठा एंड वी वर सेलिंग ऑन, तो यानी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि हमारी जो शिप थी वो सेल कर रही थी एंड इन अ जेंटल वेदर, और जो वेदर था वो खूबसूरत हो चुका था, यानी वो पीछे जो हम लोगों ने पार्ट फाइव पढ़ा उसमें जो हुआ था वो बता रहा है कि यानी इट वॉज काम नाइट मून वॉज हाई, यानी मून जो था वो मून लाइट में जो जो डेड बॉडीज थी वो खड़ी हुई हुई थी डेक के ऊपर जो खड़ी हुई हुई थी हमने देखा पीछे, और वो कह रहा है कि एक पुरसकून रात थी ऑल स्टूड टुगेदर ऑन द डेक। अब वो ये देखें फिर रेपिटेशन हुई है, ये पीछे सेम लाइन थी ऑल स्टूड टुगेदर ऑन द डेक फॉर अचर्नल डंजन फिटर ऑल फिक्स्ड ऑन मी ऑल फिक्स्ड ऑन मी देयर शाइनी सॉरी देयर स्टोनी आइज दैट इज़ द मून्स डिड ग्लिटर। अब यहाँ वो पिछली ही बातें दोहरा रहा है कि डेक के ऊपर आपको पता है यानी जो कश्ती होती है उसके ऊपर जो एक होता है ना थोड़ा सा यानी छत बनाकर तो एक कमरा टाइप बनाया होता है, तो वो कह रहा है ऑल स्टूड टुगेदर ऑन द डेक, वहाँ डेक के ऊपर सारे खड़े थे, और यानी डंजन होता है कैद खाना या तह खाना, ठीक है, तो और वो यानी जो सारे थे वो वहाँ इकट्ठे थे और जैसे उसको एक प्रॉपर तरीके से कोई फिक्स किया गया वो फिट किया गया हो, और ऑल फिक्स्ड ऑन मी देयर स्टोनी आइज और उनकी पथरीली आंखें जो यानी एक जगह बिल्कुल पथराई हुई थी वो मेरे ऊपर ही बिल्कुल मैं ही उनकी निगाहों का मरकज़ था, मुझे ही वो देखी जा रही थी, और यानी चांदनी की जो रोशनी थी जो चमक वाली रोशनी थी उसके अंदर उनकी जो आइज थी मेरे ऊपर ही बिल्कुल जो थी वो यानी मुझे ही सिर्फ देखी जा रहे थे, क्योंकि वो उनको यही था ना कि इसकी वजह से हम लोगों की हालत हुई है हम लोग कर्ज किए गए हैं, तो मेन वजह तो मैरिनर ही था ना, उसी ने एल्बेट्रोस को मारा था, तो इसी वजह से जो थी वो उसको यानी ये दिखाई दे रहा था कि हर हर जो यानी वो है आंख है उसको कर्ज कर रही है उसको उसके ऊपर लान तान कर रही है। आगे जी द पेइंग द कर्स विद विच दे डाइड
had never passed away. अब यानी वो कह रहा है जिस जिल्लत से, जिस रसवाई से और जिस यानी जुल्म से वो लोग मरे थे, यानी उसी की वजह से मरे थे ना, उसने अल्बेट्रोस को मारा था, तो वो कह रहा है अभी तक उनकी आंखों से और उनके अंदर से वो चीज़ नहीं गई, वो अभी भी मुझे उसी गौर से और उसी गुस्से से देख रहे हैं. आई कुड नॉट ड्रॉ माई आई फ्रॉम देयर्स नॉट टर्न देम अप टू प्रे. वो कहता है कि मैं भी अपनी आंखें जो था ना उनसे नहीं हटा पा रहा था, यानी वो जो था बेचारा उसको वो गिल्टी तो था, अब वो उनसे अपनी आंखें छुपा नहीं पा रहा था, वो उनके सामने ही था क्योंकि वो एक ही शिप में थे, तो उसको उस चीज़ को बर्दाश्त भी करना था और वो बेचारा जो था नो टर्न देम अप टू प्रे, यानी अब वो बेचारा जो था दुआ के काबिल भी नहीं था, क्योंकि वो कैसे अपने लिए कैसे दुआ करता जबकि उसने 200 लोगों की जो जान थी उसकी वजह से चली गई थी. आगे कहता जी एंड नाउ दिस स्पेल वॉज स्नैप वंस मोर. आई व्यू द ओशन ग्रीन एंड लुक फॉर फोर्थ येट लिटिल सॉ ऑफ वट हैड एल्स बीन सीन. अब यहाँ वो कह रहा है कि जो स्पेल है, जो स्पेल था उसके ऊपर यानी जो कर्स अल्बेट्रोस की वजह से, वो ब्रोक डाउन हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है और उसने देखा दोबारा से कि ओशन जो है वो ग्रीन हो रहा है. पहले उसने देखा कि आसमान से फरिश्ते जो हैं वो उतरे हैं उनकी बॉडीज़ में जाकर उसको सेल करने के लिए, यानी उसकी मदद के लिए. अब वो देख रहा है कि दोबारा से, यानी उसको पता लग रहा है कि हाँ जो स्पेल था वो यानी टूट गया है और ख़त्म हो गई हैं उसकी परेशानियाँ, और ओशन जो है वो ग्रीन दिखाई दे रहा है, जबकि पहले ओशन जो था बिल्कुल मोशनलेस था और होर्ड था ऐसे जैसे कोई पेंटेड ओशन होता है. एंड लुक फॉर फोर्थ येट लिटिल सॉ और वट हैड एल्स बीन सीन. और यानी अब जो है वो देख रहा है चीज़ें बदलती हुई थोड़ी बहुत, और उसको यानी वो सेटिस्फेक्शन महसूस हो रही है कि हाँ शायद अब उसकी जो है वो माफ़ी तलाफ़ी कर दी गई है. ठीक है, क्योंकि मैरिनर ने जो गलती की थी, जो सिन किया था, उसकी माफ़ी के बाद जो उसने रिपेंट किया तो अब वो ब्लेस्ड किया जा चुका है. आगे हम देखते हैं लाइक वन दैट ऑन अ लॉन्सन रॉड डथ वॉक इन फियर एंड ड्रेड. यानी एक, अब ये पूरा मैं पढ़ती हूँ फिर आपको एक यानी कहानी सी सुनाती हूँ छोटी सी, आपको सब विजुअलाइज हो जाएगा अपने जहन में. एंड हैविंग वंस टर्नड अराउंड वॉक ऑन एंड टर्न नो मोर हिज हेड बिकॉज ही नोज अ फ्राइटफुल फिन दैट्स क्लोज बिहाइंड हिम ट्रेड. अब जिस तरह कहते हैं ना हम लोगों के बड़े, यानी कहते हो यानी मजाक में भी कहते हैं कि पीछे मुड़ के ना देखना नहीं तो पत्थर की हो जाओगे, ये यानी उसने ना उस तरह का कुछ जो है वो यूज़ किया है, यानी एक छोटी सी कहानी सी कि वो कहता है कि मैं तन्हा रोड पे तन्हा था. ठीक है, अकेली रोड पे मैं बिल्कुल यानी अकेला था. डथ वॉक इन फियर एंड डेड, और जो था मैं बिल्कुल खौफजदा और ऐसे मरने वाली हालत में वॉक कर रहा था. एंड हैविंग वंस टर्न राउंड वॉक्स ऑन, और मैं जो था बगैर मूव किए यानी बगैर अपना सर मोड़े यानी पीछे मुड़े, ऑल टर्न नो मोर हिज हेड, मैं बिल्कुल सीधा जा रहा, सॉरी वंस टर्न राउंड वॉक्स ऑन, यानी वो बिल्कुल गोल गोल जो था वो घूम रहा था और उसका हेड जो था वो भी बिल्कुल यानी वो टर्न नहीं कर रहा था, बस वो ऐसे सीधा देख के तो ऐसे गोल गोल घूम ही जा रहा था. बिकॉज ही नोज़ अ फ्राइटफुल फ्रेंड, क्योंकि उसे पता था कि खौफज़दा दुश्मन, एक बड़ा ही खौफनाक दुश्मन जो है दैट क्लोज बिहाइंड हिम ट्रेड, यानी उसके पीछे उसका पीछा कर रहा है. ठीक है, अब उसने ये किस चीज़ को यहाँ सिंबलाइज़ किया, उसने यहाँ सिंबलाइज़ किया उस खौफ को, यानी अल्बेट्रोस ने उसको मारा, उसने अल्बेट्रोस को मारा था ना, तो उसके कुछ क्रू मेम्बर्स ने देखा कि अल्बेट्रोस जो है उसका पीछा कर रहा है, तो वो यानी जो ऐसे जैसे मरा हुआ अल्बेट्रोस, और वो खाली अल्बेट्रोस नहीं था, मरा हुआ अल्बेट्रोस भी और मरी हुई लाशें भी उसका यानी पीछा कर रही थी उसको. वो ये उसने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है जो जो वो यानी उसने अपनी इनर फीलिंग्स शेयर की हैं इस स्टैंजा में कि किस तरह जो था मैरिनर्स को फील हो रहा था. ठीक है, आगे हम देखते हैं बट सून देयर ब्रेथ अ विंड ऑन मी नो साउंड नो मोशन मेड इट पाथ वॉज नोट अपॉन द सी इट रिपल और इन शेड. अब वो कह रहा है बहुत जल्दी देयर ब्रेथ अ विंड ऑन मी, एक मेरे यानी ऊपर हवा का झोंका ऐसे जैसे हवा ने सांस लिया हो, यानी हवा का झोंका मुझ तक पहुँचा. नो साउंड नो मोशन मेड, ना कोई आवाज़ थी ना कोई उससे कोई हरकत हुई, बस मुझे यानी महसूस हुआ जैसे सांस महसूस होती है. इट्स पाथ वॉज नॉट अपॉन द सी, इस यानी हवा से जो लहरें पैदा होती हैं, जब हवा तेज़ चलती है तो लहरें पैदा होती हैं ना, वो कह रहा है कि ऐसा उसने कोई रास्ता नहीं बनाया, यानी इस तरह की कोई लहर इन रिपल और इन शेड, ना ही कोई उसका हवा का साया था, ना ही कोई लहरें थी. ये सारा क्या है, ये सारा सुपरनेचुरल एलिमेंट है. पहले तो बगैर यानी बगैर किसी ब्रीज के, बगैर किसी विंड के शिप का मूव होना, फिर एकदम ऐसे
गोली की तरह, हॉर्स के पॉज की तरह, यानी बिल्कुल ऐसे तेज़ी से शिप का गुजर जाना। और अब वो बता रहा है कि यानी उसको महसूस हो रही है हवा बगैर किसी मोशन के, बगैर किसी साउंड के, ना ही हवा की कोई आवाज़ है, ना ही कोई थरथराहट है, ना ही कोई साया है, ना कोई लहर है। तो ये सब सुपरनैचुरल है, ठीक है। इट रेज माई हेयर, इट फेन माई चीक लाइक अ मीडो गेल ऑफ स्प्रिंग, इट मिंगल्ड स्ट्रेंजली विद माई फियर, येट इट फेल्ट लाइक अ वेलकमिंग। अब वो कह रहा है कि जिस तरह हवा जो है तेज़ी से गुजरे, जिस तरह वैक्यूम, आपकी आपको मिसाल देती हूँ, जब आपको यानी जब किसी चीज़ को वैक्यूम करते हो, अगर आप स्किन के पास वैक्यूम लेकर आओ तो किस तरह आपके चिक के ऊपर ऐसे उसके अंदर जाती हुई है, यानी वो ऐसे साफ फील होती है। आप ड्रायर लेकर या ब्लो जो होता है, ब्लो ड्रायर होता है, उसको अगर आप अपनी चिक के पास रखो तो किस तरह चिक आपकी हिलती है, यानी उसके अंदर इतना वो होता है, पावर होती है। तो उसने हल्की सी झलक उस चीज़ की यहाँ बताई है, इट यानी जो हवा थी उससे उसके बाल हिले। आप हम लोग अब हॉरर मूवीज़ में देखते हैं ना कि पीछे से एकदम से हवा आई और उसके बाल हिले, उसने यानी ये इफ़ेक्ट डालने की कोशिश की है कि बाल उसके हल्के से हिले, लेकिन यहाँ उसने ज़रा सॉफ्टली मैनर में बताया। आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। उसके बाल हल्के से मूव किए, इट फेंट माई चीक, और उसने उसकी चीक्स को हवा दी, यानी उसको इसकी चीक्स को प्यारी प्यारी सी यानी अच्छी पुरसकून हवा महसूस हुई, जैसे चरागाहों की हवा होती है। मीडो कहते हैं यानी जो खूबसूरत ग्रीनरी वाली मीडोज होती हैं ना, बड़ी खूबसूरत चरागाहें स्प्रिंग में, बहार में, वो कहते हैं ऐसी हवा मुझे महसूस हुई जैसे मीडोज में चलती हैं, जैसे बहार में वो हवाएँ चल रही होती हैं। इट मिंगल स्ट्रेंजली विद माई फियर्स, इसने यानी मेरा जो खौफ था उसके साथ यानी अटकेलियाँ सीखी और मुझे जो है सुकून महसूस, मेरा जो डर था उसको कम किया। येट इट फेल्स लाइक अ वेलकमिंग, जैसे ये मुझे खुशखबरी सुना रही हो, मुझे वेलकम कर रही हो कि परेशान ना हो, अब खुशी का वक्त आ चुका है। स्विफ्टली स्विफ्टली फ्लू द शिप, येट शी सेल्ड सॉफ्टली टू, स्विफ्टली स्विफ्ट सॉरी स्वीटली स्वीटली ब्लू द ब्रीज, ब्लो द ब्रीज ऑन मी अलोन इट ब्लू। अब वो कह रहा है यानी तेज़ी से जो थी वो जो शिप थी वो मूव कर रही थी, बड़ी यानी सॉफ्टली नरमी के साथ और बड़ी तरीके यानी सुकून से जो थी वो शिप जो थी उसने दोबारा से मूव करना शुरू कर दिया हुआ था। स्वीटली स्वीटली बिलो द ब्रीज़, यानी हवा के नीचे, हवा के यानी हवा भी चल रही थी और जो शिप थी उसने हवा के होते हुए ब्रीज यानी सेल करना शुरू किया। ओनली अलोन इट ब्लू, यानी सिर्फ मुझ पे अकेले ही वो चल रही थी। क्यों? क्योंकि जो बाकी क्रू मेम्बर्स थे उनको तो हवा हो ना हो उनको कोई चक्कर नहीं है इस चीज़ का, और उनकी शिप जो थी वहाँ अलोन थी, अकेली थी, और उसके ऊपर जो वो एक मैरिनर ही था जो वहाँ था, तो वो क्या कह रहा है, सिर्फ मेरे ऊपर अकेले के ऊपर ही ये जो थी ये ब्लेसिंग हो रही थी। ओ ड्रीम ऑफ जॉय इज दिस इन डीड, ओ मेरे यानी ख्वाब मेरे, ऐसा उसको ऐसे ही लग रहा है ना जैसे कि ये कोई ख्वाब देख रहा है, क्योंकि उसके लिए तो ये बिल्कुल यानी अनसर्टन चीज़ थी जो हो गई थी। तो वो कह रहा है कि क्या यानी ओ मेरे ख्वाब, इज दिस इंडीड, क्या ये यकीनन, क्या ये ऐसा ही है। अब यहाँ रिटोरिक टेक्निक यूज़ हो रही है, रिटोरिकल टेक्निक, क्योंकि जब क्वेश्चन किया जाता है तो वो जो होता है, अब वो देखें कंटिन्यूसली क्वेश्चन करेगा, ओ ड्रीम ऑफ जॉय इज़ इट इंडीड, क्या वाकई ये जो है सच में हो रहा है। द लाइट हाउस टॉप आई सी, इज़ दिस द हिल, इज़ दिस द क्रिक। आपको याद होगा कि हमने जब पार्ट वन स्टार्ट किया था तो उसके अंदर वो कहता है कि हम लोगों ने सफ़र किया बिलो द क्रिक, बिलो द लाइट हाउस, बिलो द हिल, तो वो यानी यही चीज़ें वो दोबारा उसको यानी इसका मतलब वो हार्बर पर आ चुका है, ठीक है, उसका शिप जो है, और वो उन सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है और सब चीज़ों को जो है आइडेंटिफाई कर रहा है कि हाँ ये तो वही चीज़ें हैं, क्या वाकई मैं जो देख रहा हूँ वो ठीक देख रहा हूँ। लाइट हाउस नज़र आ रहा है और हिल्स नज़र आ रही हैं, वो चर्च क्रिक जो नज़र आ रहा है, और इज़ दिस माइन ओन कंट्री, या ये मेरा ही मुल्क है जहाँ से मैं चला था और इतनी परेशानियाँ देखने के बाद वापस मैं यहाँ ज़िंदा पहुँच चुका हूँ जबकि सारे बाकी मर गए हैं। वी ड्रिफ्टेड ओवर द हार्बर बार and I which serves did pray, oh let me be awake my God, oh let me sleep always का मतलब है यानी always। अब वो कह रहा है कि हमने बहना शुरू किया, we drifted over the harbor bar, ठीक है, या हम लोग जो थे उस वो याद कर रहा है कि यानी हम लोगों ने कभी यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ या यहाँ हम लोग कभी हुआ करते थे। एंड आई विद सोप्स डिट प्रे,
ओले, और यानी वो जो है अब दुआ कर रहा है अपने रब से कि या तो मुझे पूरा जगा दो या तो मुझे सुला दो, यानी या तो मैं मर जाऊं या तो मैं बिल्कुल जो है ना मुझे यकीन आ जाए कि वाकई ये चीज़ जो है हो चुकी है और मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं और मैं बिल्कुल सही सलामत इतने लोगों में से अकेला बंदा जो है यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। आगे जी कहता है, The harbor bay was clear as glass, so smoothly it was twin, and no, and on the bay the moonlight lay and the shadow of the moon. अब वो यहाँ बता रहा है कि यानी जो जो हार्बर का जो रास्ता था ना वो बिल्कुल क्लियर है और यानी लाइक ग्लास बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ सुथरी जो है एनवायरनमेंट है और रास्ता भी सारा साफ़ है, कोई बीच में परेशानी नहीं है, कोई जो है यानी कोई रुकावट नहीं है, कोई हर्डल नहीं है। एंड ऑन द बे ऑन द मून लाइट ले एंड द शैडो ऑफ द मून, यानी अब चाँद की चांदनी है, खूबसूरती चाँद की चांदनी है और हार्बर बे पर वो पड़ रही है, यानी जो ये मूनलाइट हो गई, ये स्नो फॉलिंग हो गई, ये सारे जो है ना क्रिश्चियनिटी के हिसाब से और बर्ड्स और ये जो इनोसेंट जो क्रिएचर्स हैं, शीप्स वगैरह आप लगा लें और डव पिजन्स, ये जो सारे हैं ये उनके यानी उनको ये क्राइस्ट साउ मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो कह रहा है कि चांद की रोशनी जो थी उसके अंदर जो जो यानी जो यानी क्रीक था और ये जो हार्बर जो जो उसके इर्द गिर्द का जो रास्ता था वो बिल्कुल चमक रहा था, साफ़ सुथरा था, क्लीन था और ऐसे जैसे उसी का इंतज़ार कर रहा हो कि मैरिनर ने यहाँ आके अपनी कश्ती रोकनी है। आगे जी, द रॉक शोन ब्राइट द क्रीक नो लेस द स्टैंड्स अबव द रॉक द मून लाइट स्टीप्ड इन साइलेंस द स्टडी वेदर कॉक। ये कहाँ चला गया आप लोगों का, ये है ठीक है, ये दो लाइनें यहाँ हैं ऊपर वाले में और दो लाइनें नीचे हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर आपके पास बुक है तो मच बेटर। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि जो रॉक्स हैं शोन ब्राइट यानी बिल्कुल ऐसे चमक रही हैं द क्रिक इन द क्रिक नोलेस और जो चर्च है वो भी यानी भरपूर अपनी चमक में है। दैट स्टैंड्स अबव द रॉक, और जो यानी जो चर्च है वो रॉक के ऊपर जो है बनाया गया है। दैट स्टैंड्स अबव द रॉक द मूनलाइट स्टीप सॉरी जो चर्च है और जो रॉक्स हैं वो ब्राइट शाइन कर रही हैं। दैट स्टैंड्स अबव द रॉक द मूनलाइट स्टीप इज साइलेंट, यानी चांद की जो रोशनी है ना वो ढलवान की तरह जिस तरह यानी सूरज की रोशनी और किरणें ऐसे तिरछी होती हैं ना, तो वो कह रहे हैं ढलवान की तरह जो सूरज की रोशनी है वो रॉक्स पर पड़ रही है। और यानी जैसे सुबह के टाइम जब मुर्गे बोलते हैं, असल में ये जो दो स्टैंजास हैं इसमें वो बता रहा है कि जो मौसम कैसा है और इन्वायरमेंट कैसा है और यानी हालात कैसे हैं, खुशगवार हालात है, चांद की रोशनी है और जो चांद की यानी हल्की सी जो प्यारी सी रोशनी है वो ऐसे तिरछी होके रॉक्स पे चर्च पे और पड़ी है, और जैसे मुर्गे बोलते हैं सुबह सुबह के वक्त वैसे मुर्गे यानी वैसा जो है माहौल क्रिएट हुआ हुआ है। एंड द बे वॉज वाइट विथ साइलेंट लाइट टिल राइजिंग फ्राम द सेम, और यानी जो हार्बर बे है वो बिल्कुल सफ़ेद और चमक रही है लाइट की वजह से चांद की रोशनी में, टिल राइजिंग फ्राम द सेम फुल मैनी शेप्स दैट शेडोज वो इन क्रिम्जन कलर केम। अब जिस तरह हल्की हल्की सी रोशनी होती है ना जो बड़ा मीठा एक खूबसूरत लाल किरणें होती हैं, तो वो कह रहा है यानी क्रिम्जन कलर केम के उसके अंदर से गहरा जो लाल रंग है, तो यानी रोशनी में उस लाइट में जो किरणें थी यानी जो लाल गहरे रंग की किरणें थी वो उसको वहाँ दिखाई देती हैं। अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रो दोज क्रिम्जन शैडो वो आई टर्न माई आई अपॉन द डेक ओ क्राइस्ट व्हाट सॉ आई देयर। अब यहाँ वो बात कर रहा है प्रो का, यानी जो जो हिस्सा था ये जो अगला हिस्सा था वो कह रहा है कि वहाँ उतना सा यानी जहाँ वो खड़ा हुआ उतने से उस डेक तक के जो डिस्टेंस था वहाँ वो कह रहा है कि वो यानी जो शेडो है वो पड़ रहा है, वो जो साया है वो पड़ रहा है उन यानी उस लाल रंग का। मैंने अपनी आंखें घुमाई और मैंने डेक के पास देखा, ओ क्राइस्ट व्हाट सॉ आई देयर, वो यानी वो याद करता है अपने रब को, कहता है कि मैंने वहाँ क्या देखा था, क्योंकि वो जो जितनी भी सारी जो स्पिरिट्स वगैरह थी और वो जो डेड बॉडीज थी वो डेक के पास खड़ी हो गई थी ना जाके, तो उस चीज़ को वो यानी रिमेंबर कर रहा है। ईच क्रॉस ले फ्लैट लाइफलेस एंड फ्लैट एंड बाय द होली रोड अ मैन ऑफ लाइट अस 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 अ रफ मैन ऑन एवरी कर्स
दे स्टूड। अब जिस तरह पपेट्स जो होती हैं, जो पपेट्स जो होते हैं, जब आप उनकी जो हैं यानी जिन रस्सियों से उनको बांधा गया होता है यानी या जो डोरियां जिनसे उन्हें डांस करवाया जा रहा था, जब उनको छोड़ते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाती है ना ज़ोंबीज़ की तरह। तो वो कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही लाइफलेस हैं, इमोशनलेस, बिल्कुल सीधी हैं और ऐसे एंड बाय द होली रोड, और वो यानी ऐसे क्रॉस की शक्ल दिखाई दे रही है जैसे कोई क्रॉस होता है, ठीक है। अ मैन ऑल लाइट अ सराफ मैन, यानी एक हर फरिश्ता हर डेड बॉडी के अंदर था और उसकी अपनी लाइट थी और इतनी रोशनी थी। ऑन एवरी क्रॉस देयर स्टूड, यानी ऐसे लग रहा था जैसे हर जो फरिश्ता है और वो जो हर जो डेड बॉडी स्पिरिट थी जो उनके अंदर जो फरिश्ते आए थे जो ऊपर से नाजिल हुए थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई क्रॉस की तरह खड़े हैं और उनकी बहुत ही ज़्यादा रोशनी थी उनकी, यानी ये नूरानी रोशनी की बात हो रही है। आगे हम देखते हैं जी, लेट मी क्लोज दिस सराफ बैंड, ईच वेव्ड हिज हैंड, इट वॉज अ हेवनली साइट, और दे साउंड एज सिग्नल्स टू द लैंड, ईच वन ऑफ लवली लाइट। अब यहाँ वो कह रहा है कि हर जो भी फरिश्तों का जो बैंड था ना, यानी काफ़ी ज़्यादा फरिश्ते उतरे थे ना आगे पीछे ऊपर नीचे, जब हमने देखा पिछले पार्ट फाइव में जब वो बता रहा था, तो इसी तरह जो फरिश्ते उतरे थे वो अपना हाथ जो थे वो हिला रहे थे, वेव कर रहे थे, क्योंकि एंशियंट मैरिनर पे जो स्पेल था जो उसके ऊपर जो यानी सख्ती थी वो ख़त्म हो चुकी थी और अब जो थे फरिश्ते उसको मदद के लिए उतरे थे, अब वो वापस जा रहे हैं, वो अपना हाथ हिला रहे हैं, वेव कर रहे हैं और उसको गुड बाई कह रहे हैं। दे स्टूड एज सिग्नल्स टू द लैंड, यानी ऐसे जैसे वो उसको इशारा कर रहे हो कि अब ज़मीन करीब है, ज़मीन आने वाली है, तुम अब आज़ाद हो, अब तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ गया। ईच वन ऑफ लवली लाइट, यानी हर जो बैंड का जो सराफ था, हर फरिश्ता जो था उसकी अपनी एक नूरानी लाइट थी, बहुत तेज़ रोशनी थी और वो उसको खुशखबरी की यानी खुशखबरियाँ उसको दे रहे थे और उसको इस चीज़ का सिग्नल दे रहे थे कि अब जो है समुंदर की जो परेशानी थी, समुंदरी सफ़र तुम्हारा ख़त्म होने वाला है और अब जो है यानी जो ज़मीन है तुम्हारे लिए ज़िंदगी की अलामत की निशानी है। आगे जी, दिस सराफ बैंड ईच वेव्ड हिज हैंड, नो वॉइस, अब ये देखें रेपिटेशन हुई है, सेम लाइन्स जो हैं, ठीक है। नो वॉइस डिड दे इम्पार्ट, नो वॉइस बट ओ साइलेंस सैंग लाइक म्यूजिक ऑन माई हार्ट। ये नो वॉइस देखें वर्ड दो दफ़ा आया, तो ये क्या है, एनाफोरा टेक्निक है। और अब वो कह रहा है कि कोई आवाज़ नहीं थी, कोई भी हरकत नहीं थी, कोई ऐसी यानी बिल्कुल खामोशी थी जैसे खामोशी की जो जैसे खामोशी डूब रही हो, और लाइक म्यूज़िक ऑन माई हार्ट, लेकिन उसके दिल के अंदर जो था वो म्यूज़िक बज रहा था। क्यों बज रहा था, यानी क्योंकि वो खुश था और उसको अब जो था सुकून महसूस हो रहा था और वो अपने दिल में सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहा था कि उसको माफ़ किया जा चुका है। तो बाहर तो साइलेंस था लेकिन उसके अंदर दिल के अंदर जो था एक मीठा म्यूज़िक बज रहा था जो उसे खुशी दे रहा था। आगे देखते हैं, बट सून आई हियर द डैश ऑफ ओर्स, आई हियर द पायलट्स चीयर, माई हेड वॉज टर्न परफोर्स अवे एंड आई सॉ अ बोट अपीयर। अब वो देखता है ओर्स होते हैं चप्पू जो चलते हैं ना, उसने आवाज़ सुनी जैसे कोई जो शिप है वो सेल करके उसके पास आ रही हो, और उसने देखा कि उसने आवाज़ सुनी कि कोई पायलट जो है वो उसको यानी शिप का जो सेल्समैन था वो उसको यानी नज़र आया, उसको आवाज़ सुनाई दी कि कोई जो है करीब आ रहा है, यानी उसकी अब मदद होने वाली है कहीं से। उसने अपना जो सर था उसको मूव करके देखा और उसने देखा क्या कि वहाँ एक कश्ती अपीयर हुई है, यानी एक कश्ती यानी उसको ज़िंदगी नज़र आई है, ज़िंदगी की अलामत नज़र आई कि कुछ लोग हैं जो उसकी मदद को आ रहे हैं। आगे देखते हैं, द पायलट एंड द पायलट्स बॉय, आई हियर देम कमिंग फास्ट, डियर लॉर्ड इन हेवन, इट वाज अ जॉय, द डेड मैन कुड नॉट ब्लास्ट। अब यहाँ वो कह रहा है कि उसने यानी कश्ती देखी तो उसमें एक पायलट था और उसका बेटा था, ठीक है। आई हियर देम कमिंग फास्ट, और मैंने उनको देखा कि वो जल्दी से मेरे पास आ रहे हैं, और फिर उसने अपने खुदा को याद किया कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, यानी ये तो बड़ा अच्छा हो गया मेरे लिए, और मेरी जो थे वो डेड मैन जो यानी क्रू मेम्बर्स थे जो डेड थे वो अभी तक जो थे उनका यानी मेरे ऊपर से वो ख़त्म नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो उनको उनकी कर्स को फील कर रहा था। तो अब जो थी उसको सुकून की सांस आई थी कि कोई यानी उसने किसी को देखा है, किसी ज़िंदा इंसान को देखा है, क्योंकि वो तो बेचारा अकेला ही उन रूहों के और उन मुर्दा लोगों के बीच में था, ठीक।
ठीक है, आगे देखते हैं. आई सॉ अ थर्ड, आई हियर्ड हिज वॉइस. अब दो लोग तो ये थे, एक पायलट और एक उसका बेटा. अब वो कह रहा है कि मैंने एक तीसरे की भी आवाज़ सुनी. इट इज़ द हर्मिट गुड, यानी एक ये एक दरवेश की आवाज़ थी, ये एक यानी नेक सीरत इंसान था. ही सिंगथ लाउड हिज गॉडली हम, यानी होते हैं ये जो होते हैं ना उनके यानी रिलीजियस सॉन्ग्स वगैरह होते हैं जो वो गाया करता था यानी जंगलात में. ये जो दरवेश होते हैं ये होते हैं ना यानी कहीं कोई इनका एक ठिकाना नहीं होता, ये घूम रहे होते हैं जगह जगह बस, जहाँ ज़मीन जिस ज़मीन पे उनको जगह मिल गई वहाँ वो बैठ गए, फिर वहाँ से आगे चल दिए. दैट ही मेक्स इन द वुड, जो वो वही गाने गा रहा था जो वो जंगलात में गाया करता था. ही विल ट्राइव माई साउल, ही विल वॉश अवे ऑल एल्बेथ्रोज ब्लड. अब वो कह रहा है कि वही है जो मुझे यानी कन्फेशन करना चाहता था ना वो, तो वो कह रहा है कि ये वही इंसान है, ये वही नेक सीरत दरवेश है जो मुझे मेरे यानी जुर्म से आज़ाद करवाएगा, जिस अल्बत्रोस का खून जो था मेरे कपड़े जिससे रंगे गए थे, यानी जो मेरे ऊपर जो मेरे से सरजद हुआ था जुर्म और जो गुनाह, ये ही वो इंसान है, यही वो हर्मिट है जो मुझे यानी जो मेरे उस जुर्म को और खून को धोएगा और मेरी कन्फेशन का ज़रिया बनेगा. ठीक है, और होप यू ऑल इन्जॉयड गाइस. और जो भी पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये थोड़ा सा लंबा था लेकिन हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया. इंशाल्लाह सिर्फ लास्ट 7 पार्ट रह गया है. इंशाल्लाह जल्द ही उसको भी कवर करेंगे और उसके बाद हम सुपरनेचुरल एलिमेंट पर डिस्कशन करेंगे. और जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है उसको वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उनको भी कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन ऑर्डर टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़. Thank you once again.